जहाँ होइ छे रोज इश्क में बवाल, जहाँ होइ छे रोज इश्क में बवाल, जहाँ नहीं चले छे केकरो लवर पन्नी, उहे बा बेटा जिला मधुबनी। हेलो गैस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल MS ब्लॉग। तो एक नए वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है। और अभी मैं पहुंचा हूं मधुबनी रेलवे स्टेशन, जो कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। ये मेरे पीछे मधुबनी स्टेशन है, पार्किंग लॉट है स्टेशन का। यहां पे आप गाड़ी लगा सक पार्क कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज लगता है गाड़ी पार्किंग का। और यहां पे ऑटो स्टैंड, स्कॉर्पियो और जो भी बड़ी वाहन है आप उसको यहाँ पार्क कर सकते हैं। देख सकते हैं स्टेशन के बाहर का कुछ इस तरह का व्यू दिखता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और ये इसका खूबसूरती में चार लगा रहा है ये मिथिला पेंटिंग जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दीवारों पे, बहुत ही अच्छी इसमें कारीगरी की गई है। चलता हूँ जो मधुबनी स्टेशन का जो टिकट काउंटर है, जहाँ से आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। यहाँ पे टिकट काउंटर है, आपको यहाँ से एंट्री लेनी है। जिस तरह का भी आता है टिकट काउंटर, ये यहाँ से आपको एंट्री लेनी है। अभी COVID-19 को लेकर के अभी जाता है, यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं रहती है टिकट को लेकर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे टिकट यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहीं से आप स्टेशन के लिए आ सकते हैं। ये प्रतीक्षा हॉल है, जो आप यहाँ पे ट्रेन का वेट कर सकते हैं यहाँ बैठ करके। ये देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। मैं स्टेशन के अंदर पहुंच चुका हूं और कुछ इस तरह का व्यू दिखता है स्टेशन का। रेलवे स्टेशन जो बहुत ही खूबसूरत है, और इसके खूबसूरती में चार चांद लगाता है यहां का मिथिला पेंटिंग, जो कि बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूं और पूरा स्टेशन का आपको व्यू दिखाऊँगा। मंकी स्टेशन का फ्लाईओवर है, जहाँ से आप प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पे जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ऊपर जा करके स्टेशन का व्यू दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है स्टेशन। मिथिलांचल जो है, मिथिलांचल में मिथिला पेंटिंग बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर की ओर। तो गैस, फिलहाल मैं आ चुका हूँ फ्लाईओवर के ऊपर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिज के ऊपर से कि कैसा दिखता है इस पूरा व्यू जो आता है, वो कैसा आता है व्यू। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
तो अभी देख सकते हैं कि कैसा व्यू दिखता है स्टेशन का, जो फ्लाई ओवर ब्रिज है उसके ऊपर से कुछ इस तरह का व्यू आता है स्टेशन का। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू दिखता है स्टेशन का। ये प्लेटफार्म नंबर वन का है, वन है, और ये टू है, और उस तरफ प्लेटफार्म नंबर थ्री है। मैं आपको वहाँ भी ले चलूँगा। प्लेटफार्म नंबर थ्री के जो बाद ये छोटा सा तालाब है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और स्टेशन की खूबसूरती में और भी चार चांद लगा देता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू आता है मधुबनी स्टेशन का, जो काफ़ी खूबसूरत है। प्लेटफार्म नंबर दो और तीन की ओर, तो यहाँ से आपको फ्लाई ओवर से नीचे उतरना है। अभी मैं आ चुका हूँ प्लेटफार्म नंबर दो और तीन भी यही हैं। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है प्लेटफार्म नंबर दो और तीन। प्लेटफार्म नंबर एक का व्यू यहाँ से कुछ इस प्रकार का आता है। बाय। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमें सपोर्ट करने के लिए भी सब्सक्राइब कर दें। हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर अच्छी ना लगे वीडियो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा, ताकि हमें लगेगा कि हाँ मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसमें कुछ कमी है तो मैं उसे पूरा करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड सेयोनारा। तो कैसे हैं आप लोग?